नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर के दानवीर राइजिंग स्टेज स्टार डायरेक्टर नीरज जैन के द्वारा बॉम्बे में फंसे कई आर्टिस्ट की मदद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायरेक्टर नीरज जैन ने बताया कि उनके कॉन्टैक्ट में बॉम्बे में फंसे हुए ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। एकाएक लॉकडाउन के कारण कई ऐसे आर्टिस्ट थे जो डेली बेसिस वर्क करते थे और रोज कमाकर रोज खाते हैं। जब आर्टिस्टों ने डायरेक्टर नीरज जैन से मदद मांगी, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, तो डायरेक्टर साहब ने उन सभी की परेशानी देखी तो उन सभी के अकाउंट नंबर लेकर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके फिल्म जगत में मानवता दिखाकर दानवीरों के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। रखती मेरे लिए परिवार का साथ ज्यादा मायने रखता है, तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगी कि आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों से आपका एहसान चुका हूँ। अगर मैं आज अपने परिवार के साथ हूँ तो आपकी वजह से हूँ सर। अगर मैं अपनी मम्मी पापा के साथ हूँ, खुश हूँ, तो आपकी वजह से हूँ सर। आपने मुझे घर आने में इतनी सहायता की, क्योंकि इस वायरस से, इस महामारी से लोग बच नहीं रहे। आपने कैसे भी करके बचा के ना मेरे बारे में जाना, ना मुझे जानते हैं आप, फिर भी मेरी मदद की सर। बहुत बहुत उपकार है सर आपका। अगर मैं तो कभी आपको भूल नहीं पाऊँगा, लेकिन हमेशा आपको याद रखूँगा कि कोई था, वो इंसान था जो मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, मेरी परिवार, मेरे परिवार से मिलाया, मेरी मदद की थी, तो आप ही का नाम आएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऐसे लोगों की मदद करते रहो, ऐसी सहायता करते रहो, बहुत दुआ मिलेगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत पासवान है और मैं एक एक्टर हूँ। और आज मैं नीरज सर के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैं नीरज सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कोरोना वायरस की इस महामारी में मुंबई में जो फंसे एक्टर्स हैं, जिनकी उन्होंने हेल्प की है, उनके लिए दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। वो सारे एक्टर्स लोग की हेल्प की है, जूनियर आर्टिस्ट की है, नॉर्मली एक्टर्स लोग की, उसमें से मैं भी एक एक्टर हूँ, तो थैंक यू नीरज सर। मैंने कहावत सुना था बचपन में कि भगवान कभी भी धरती पर नहीं आते किसी की मदद करने, वो उसे किसी फरिश्ते को भेजता है, और उसमें से नीरज सर एक वही फरिश्ता है। सो थैंक यू नीरज सर, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, हमारी दुआ आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। बस माय नेम इज एजाज खान, माय ऑडिशन डायलॉग प्लीज। एक्शन। सच। सच तो आप सुनना ही नहीं चाहते सर, क्योंकि जो सच सुनना चाहते हैं ना, वो दिल में नफरत और जेब में पिस्तौल लेकर नहीं आते। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सर, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सच को सुनने के लिए। और सच ये है कि जब आदमी दौलत और ताकत की वजह से जितना बड़ा होते चले जाता है, उतना सच और असलियत से दूर होते चले जाता है। वो सोचता है कि जो उसने किया वही ठीक है, जो उसने सोचा वही सही है। और आपके साथ ऐसा ही हुआ है सर। बड़े तो आप बन गए, लेकिन खुद के मामले में जरा पीछे रह गए।